press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 देखने के लिए. मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे अनुभव सर ने फिल्म बनाई है. एक ऐसी हकीकत हमारे समाज की, हमारे देश की, जिसे हम अक्सर झुठलाना चाहते हैं, जिससे हम अक्सर अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं. एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दैट कमर्शियल मेनस्ट्रीम बॉलीवुड ऐसे मुद्दों पे कहानियाँ बना रहा है. किसी ने इस फिल्म के साथ ऐसा बोला? आई मीन देखिए, आई पर्सनली फील कि बैनिंग और ये जो होता है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है और इसको ऐसी रैंडम डिमांड नहीं करते रहना चाहिए. हमारे देश में एक संस्था है, एक प्रणाली है, प्रोसीजर है जिसके तहत सेंसिटिव इश्यूज डिस्कस होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए. वो सेंसर बोर्ड है और जो CBFC की कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है, वो है. जो FCAT का पैनल है वो है. सो आई थिंक दीज आर डिस्कशंस दैट यू नो वो उन लोगों को ये निर्णय लेने चाहिए, ना ही मॉब्स को. नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी आसानी से मिलती है. स्टार्स जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनके चेहरे पहचाने जाते हैं. तो खुद विजिबिलिटी पाने का सबसे आसान तरीका है किसी एक सेलिब्रिटी या स्टार को अटैक करो और उस उनके दम पे और उनके नाम के दम पे फिर खुद भी आप अपने ग्रुप को थोड़ा ऐसे PR दे दो. तो वो हमने पिछले सालों में ये ट्रेंड काफ़ी देखा है, कई फिल्मों के साथ हुआ है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नॉट अ हेल्पफुल ट्रेंड, इट्स अ हार्मफुल ट्रेंड. एंड आई थिंक दैट बॉलीवुड इज़ अ सॉफ्ट टारगेट. एंड आई थिंक दैट कंसिडरिंग कि हम इतना हैवी एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन और सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए, और कुछ होना हो. सॉरी, देखिए आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप इस देश की एक बहुत छोटी माइनॉरिटी में से होंगे. ज़्यादातर तो मुझे अपने थॉट्स के लिए काफ़ी सारी गालियाँ ही मिलती हैं. बट आई थिंक दैट देखिए, अगर आपके पास करेज ऑफ कन्विक्शन हो और आपको अपने विचारों में विश्वास हो, तो इट डजेंट मैटर लोग क्या कहेंगे. आपको पता है कि आप सच और सही के साथ खड़े हैं. हेलो, अभी कई सालों तक मुझे पॉलिटिक्स में घुसने का कोई प्लान नहीं है और कोई मंशा नहीं है मेरी, लेकिन लगता है आप मेरी दुकान बंद कराना चाहते हैं जल्दी.